तो बेसिकली नंबर फॉर्मेटिंग का मैंने एडवांस एक्सेल में आपको थोड़ा एडवांस बेस्ड स्पेशल में मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रो दिया था कि आप नंबर फॉर्मेटिंग को तो आज हम इनको डिटेल में देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कुछ अपना डेटा सा ले लेता हूँ। कुछ हजार की फिगर ले लेता हूँ, एक आधी माइनस की ले लेता हूँ। तो नॉर्मल सा डेटा मैंने ले लिया है। अब जनरल फॉर्मेट में क्या होता है, देखिए जो बाय डिफॉल्ट जनरल सिलेक्टेड है, इसमें क्या होता है ऑटोमेटिक चीजें चलती हैं। आप इसमें डेट डालेंगे, डेट फॉर्मेट में बदल जाएगा ये अपने आप, ठीक है। नंबर डालेंगे तो आप नंबर से कोई कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो जनरल फॉर्मेट आपको रेजिस्ट नहीं करता किसी चीज के लिए, रिस्ट्रिक्ट नहीं करता किसी चीज के लिए, जनरल फ्री फॉर्मेट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है नंबर फॉर्मेट, यहां से जाएंगे। जनरल में आपको खाली सिंपल बॉक्स दिखाता है, कुछ नहीं। नंबर फॉर्मेट में आता है आपका ये जो, मैं यहां से डेटा सिलेक्ट कर लेता हूं, ये वाला, यहां से क्लिक करता हूं, शॉर्टकट कंट्रोल वन से भी ला सकते हैं इसको। तो नंबर फॉर्मेट में देखिए एक तो चीज होती है सैंपल बॉक्स, सैंपल बॉक्स में कि आपकी कैसी दिखेगी वैल्यू, ये सैंपल में दिखाता है। तो जैसे इसमें दिखा रहे हैं डबल डेसिमल वैल्यू है, तो डेसिमल यहां से घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है जी। ये नॉर्मली पता ही होता है, यूज सेपरेटर, ये थाउजेंड में बीच में सेपरेटर लग जाता है, थाउजेंड के लिए कॉमा, ठीक है जी। बाकी ये जो नेगेटिव नंबर्स की फिगर है, जैसे अभी आप माइनस की कोई वैल्यू डालेंगे तो ऐसे ही माइनस में दिखाएगा, ठीक है, माइनस में दिखाएगा। नीचे वाला सिलेक्ट करते हैं तो ये क्या है, माइनस नहीं दिखाएगा, रेड में दिखाएगा। सिलेक्ट करते हैं, रेड में दिखा रहा है, ठीक है। नीचे वाला, इसके नीचे वाला ब्लैक में ही दिखाएगा, पर आगे ब्रैकेट दिखा देगा नेगेटिव नंबर का, और ये ब्रैकेट में भी दिखाएगा और रेड भी दिखाएगा, ठीक है जी। तो चार ऑप्शन है इसके, बाय डिफॉल्ट जो है ये सिलेक्ट होता है, इस हिसाब से कर सकते हैं। देन देखते हैं करेंसी में, करेंसी में क्या होता है, अपने पास डेसिमल प्लेसेस सेम होते हैं, नेगेटिव नंबर सेम होते हैं, बस ये सिंबल्स आ जाते हैं। इसमें आपको कोई अलग से सिंबल चाहिए, जैसे रुपए का चाहिए या जर्मनी वहां का कुछ और होता हो, तो उस हिसाब से यहाँ उसके मिल जाएंगे आपको सिंबल। बाय चांस मान लीजिए कोई सिंबल इसमें आपके है नहीं, ठीक है जी, मान लीजिए उसका सिंबल नहीं है आपका, तो उसका आप फॉन्ट सर्च कर सकते हैं नेट पे, और उस फॉन्ट को जैसे इंस्टॉल करेंगे वो इसमें आपको दिखाई दे जाएगा। जैसे रुपए का जो नया साइन है उसके लिए आता है रुपी फॉर्डियन फॉन्ट, ठीक है जी। तो फॉन्ट को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉन्ट को कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है, टीटीएफ फाइल्स होती हैं, ठीक है जी। जैसे रुपी सिंबल फॉन्ट, मुझे पता नहीं कौन सा सिंबल है, तो यहाँ से मैं कोई भी फाइल डाउनलोड कर सकता हूँ, कहीं भी आपको नेट पर सर्च करने पर मिल जाएगा। टीटीएफ फाइल्स होती हैं जी, ये है, ये वाला सिंबल है, यहाँ से मैंने रुपी फॉर्डियन आ रहा है, टीटीएफ करके ही आ गया। अब इसको मैं देखूंगा फाइल कहाँ पड़ी है, ये तो इसको यहां से कॉपी कर लिया और कंट्रोल पैनल में जाके कर दें, या यहाँ पे फॉन्ट्स लिखेंगे तो भी आएगा, यहाँ पे सर्च कर दे फॉन्ट, ठीक है जी। ये रहा फॉन्ट, फॉन्ट को ओपन करेंगे, मोस्टली होते हैं, अगर नहीं हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। फॉन्ट में जाके बस पेस्ट करना है और ये आपके सामने आ जाएगा। मैं इसमें पेस्ट कर देता हूँ, तो ऑलरेडी है, यस कर देता हूँ, रिप्लेस हो जाएगा। ओके, तो अब मैं उसको उसको मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, मैं अपनी लिस्ट में देखूंगा तो इसमें आ गया होगा, कहीं ना कहीं वो दिख जाएगा मुझे अभी, नहीं तो ये लिस्ट बहुत बड़ी है, ढूंढना पड़ता है थोड़ा।
चलते जाओ चलते जाओ, सिंगल सिंगल यहाँ से अलग अलग साइन। तो फॉन्ट के ऊपर है, अगर आपको सही फॉन्ट मिल गया तो सिंबल भी मिल जाएगा। हालांकि आर एस वगैरह दिया हुआ है इसमें, देख लेते हैं एक एक करके। तो उसमें अभी दिखा नहीं रहा है, हमारे इसी तरीके से आएगा आपका ऊपर। ओके करेंगे तो ये आपका करेंसी अप्लाई कर दिए। एक होता है हमारे पास अकाउंटिंग फॉर्मेट, ये भी करेंसी जैसा ही होता है, ठीक है जी। अकाउंटिंग इसमें आपके डेसिमल प्लेसेस होते हैं और सिंबल कोई भी चूज कर सकते हैं, बट इसमें एक फर्क होता है। यहाँ पे देख रहे हैं करेंसी का साइन कैसे अनऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है जी। इसमें ऑर्गेनाइज तरीके से आता है, करेंसी का साइन जो है एक ही उसमें चलता जाए और ये नंबर एक साइन, ठीक है जी। अगर यहाँ पे कोई जीरो होगा तो वो इस तरह से डैश दिखाएगा, यहाँ जीरो होता है तो जीरो ही दिखाता है। तो बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह ये फॉर्मेट यूज करते हैं, ठीक है जी। देन उसके बाद आता है आपका डेट। डेट के लिए क्या होता है, पहला शॉर्टकट होता है कंट्रोल सेमी कॉलन। कंट्रोल सेमी कॉलन से आज की डेट आ जाती है और टुडे का फंक्शन भी यूज होता है आज की डेट लाने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन दबाएंगे तो करंट टाइम आ जाएगा, और इसमें नाउ का फंक्शन है करंट डेट एंड टाइम लाने के लिए, ठीक है जी। इकट्ठा आ जाएगा, पर इसमें एक सीक्रेट दिखाता हूँ कि अभी तो ये डेट फॉर्मेट में फॉर्मेटेड है, ठीक है जी। अगर मैं इसको जनरल में कर दूं तो क्या दिखाता है, दोनों सही दिखा रहे हैं, सेम नंबर। जहां डेट थी वहां पे एक नंबर दिखाई दे रहा है मेरे को, और जहां टाइम था वहां डेसिमल में कुछ नंबर दिखाई दे रहे हैं। जहां डेट एंड टाइम में था वहां वो नंबर भी दिखाई दे रहा है, और ये जो है टाइम जो है वो उसमें दिखाई दे रहा है डेसिमल में इसी के साथ। तो डेट टाइम का इंजन पहचानेंगे कैसे, अब मैं एक को लेके इसको मैं अगर डेट फॉर्मेट में बदल दूं तो ये मुझे दिखा रहा है 1 जनवरी 1900, ठीक है जी। दस करता हूं तो दिखाएगा 10 जनवरी 1900। तो कहने का मतलब ये है कि जब से ये चालू हुआ है तब से अब तक कितने दिन हो गए, 1 जनवरी 1900 से लेकर आज तक, तो ये कैलकुलेशन है इसकी, क्योंकि डेट जो है 1 जनवरी 1900 से ही स्टार्ट है एक्सेल में, ठीक है जी। तो उतने डेज है ये, तो इसीलिए जो है कि अगर ये जनरल फॉर्मेट में देखा जाए तो एक नंबर है और नंबर को मैं डायरेक्टली प्लस कर सकता हूँ फॉर्मूला के थ्रू, ठीक है जी। 12 इसको मैं देख सकता हूँ, 12 जनवरी 1900। तो इस कारण हम जो है डेट के अंदर प्लस माइनस बदल कर सकते हैं डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं। दो अगर मान लीजिए मुझे इसमें जोड़ना हो 2 दिन तो मैं डायरेक्टली प्लस माइनस कर सकता हूँ, बस बशर्ते फॉर्मेट सही है, ठीक है जी। और देखने वाली बात यह है कि टाइम का जो फॉर्मेट है वो डेसिमल में आता है हमेशा, ठीक है जी। हाँ डेट टाइम में घटता है तो डेसिमल में आता है। मान लीजिए टुडे के फॉर्मूला और नाउ से मुझे करंट टाइम निकालना है फॉर्मूला से, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये नाउ में से टुडे को माइनस कर दूं तो मेरे पास यही डेसिमल पोजिशन आ जाएगी जो कि मेरा टाइम होगा, ठीक है जी। दोनों फॉर्मूले में से तो मेरा करंट टाइम दिखा रहे हैं, हालांकि इसके लिए फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है बट मैंने बना दिया, ठीक है जी। और वो जब माइनस किया तो हाँ देखिए तो वैल्यू आ रही थी, हाँ तो उसको टाइम में कैसे कन्वर्ट किया, मैंने टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। देखिए कुछ शॉर्टकट होते हैं, हाँ ओके
इसके लिए कुछ शॉर्टकट होते हैं, आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपका ऊपर कीबोर्ड में अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड होता है, तो सबसे पहला जो साइन होता है वो टिल्ड का होता है, ये ठीक है जी। 1 2 3 से पहले, 1 से पहले ये वाला साइन होता है। ओके ठीक है जी। अब क्या कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट के साथ इसको दबाएंगे तो जनरल फॉर्मेट हो जाएगा। जैसे इसी पे चलते हैं, कंट्रोल शिफ्ट के साथ इसको दबाया तो जनरल, ऑलरेडी कंट्रोल शिफ्ट 1 दबाएंगे तो नंबर फॉर्मेट हो जाएगा, 2 दबाएंगे टाइम फॉर्मेट हो जाएगा, 3 दबाएंगे डेट फॉर्मेट हो जाएगा, 4 दबाएंगे करेंसी हो जाएगा, 5 दबाएंगे परसेंटेज हो जाएगा, 6 दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट। तो 1 3 4 5 फील्ड से लेकर अपने पास फटाफट से शॉर्टकट में कन्वर्ट करने के ऑप्शन, ठीक है जी। ओके एक सेकंड, एक कॉल। हेलो, हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट वाले फॉर्मेट में अगर आप देखें 14 3, मतलब मंथ आ रहा है और डेट आ रही है, खाली मंथ डेट दिखानी है इस फॉर्मेट में, इसको यूज कर सकते हैं। नीचे वाला जो है जिसमें पूरी डेट आ रही है, कभी मंथ आ गया होगा कभी डेट आ गया होगी, इस तरह से आपके फॉर्मेट है। खाली मंथ नेम और डे नेम और मंथ का नाम, डे और मंथ चाहिए खाली, इस तरह से आएगा। डे मंथ ईयर जो मोस्टली मैं यूज करता हूँ वो ये वाला करता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट 3 करेंगे तब भी ये फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। देन मार्च मंथ का नेम चाहिए और ईयर चाहिए खाली, तो इस तरह से आपके पास बहुत सारे फॉर्मेट यहाँ पे, ठीक है जी। मंथ का इनिशियल चाहिए तो ये एम वाला फॉर्मेट सीधा हो आ गया अक्टूबर के लिए। मंथ का इनिशियल प्लस 2 डिजिट ईयर, तो इस तरह से काफी सारे फॉर्मेट है जिनको आप देख सकते हैं, पहले से बने हुए हैं, अपने यूज के हिसाब से यूज कर सकते हैं। इसका 4 डिजिट में ईयर ये आला, ठीक है जी। अब टाइम का देखते हैं, टाइम में कौन कौन से फॉर्मेट है हमारे पास। टाइम में देखेंगे तो पहला 1:30:55 का है ये वाला फॉर्मेट, जिसमें AM PM करके दिखा रहा है हमें। तो AM PM जहां दिखाता है 12 घंटे का फॉर्मेट होता है, ठीक है जी। 12 घंटे का, 24 घंटे वाला चाहिए तो मुझे ये 13:30 सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो इसमें AM PM नहीं दिखाएगा। अगर रात के 10 बजे होंगे तो 22 समथिंग दिखाएगा, ठीक है जी। 24 घंटे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इससे अगला फॉर्मेट जो है वो AM PM का विदाउट सेकंड में, ठीक है। मान लीजिए कि मुझे चाहिए कि बियॉन्ड 24 आवर्स जाना है, ठीक है। जैसे कुछ टाइम था, यहां पे मैं क्या करता हूं इसको हटा देता हूं। टाइम था, मैंने इसमें क्या किया 22 घंटे जोड़ दिए, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि कितने घंटे हो गए, ठीक है जी। 22 घंटे बाद क्या टाइम होगा वो तो ठीक है, तो कितने टोटल घंटे हो गए ये देखना है, बियॉन्ड 24 आवर्स जाना है। तो दो फॉर्मेट है 30:55, 37:30 वाला देखेंगे तो 32 घंटे, 10 घंटे में इसमें जोड़ेंगे तो 32 घंटे, इस तरह से दिखाना है, तो ये यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। बाकी जब डेट टाइम फॉर्मूला पढ़ेंगे तो उसमें इसी तरह से टोटल मिनट जानने हैं, टोटल डेज जानने हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद है आपका परसेंटेज। परसेंटेज में नॉर्मली होता क्या है कि आपका 100 से मल्टीप्लाई हो जाती है कोई भी चीज। जैसे इनको अगर मैं परसेंटेज फॉर्मेट में यहां से भी डायरेक्ट कर सकता हूँ, और नहीं तो यहां से परसेंटेज चूज कर सकता हूँ कितने डेसिमल में चाहिए वो भी। देखेंगे 100 से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बट इनकी वैल्यू 100 से नहीं होती है। मान लीजिए अगर इसको मैं यहाँ पे इसको जनरल फॉर्मेट में कर दूं तो इसकी एक्चुअल वैल्यू वही रहेगी। यहाँ पे मान लीजिए 50% करता हूँ तो 0.5 रहेगी, 0.05 रहेगी। 25 करता हूँ तो 0.25 है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करेंगे तो वो इस वैल्यू से होगा, ठीक है। अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म करता हूँ तो वही रिजल्ट लिखेगा, तो इसलिए
इस चीज का ध्यान रखना होगा, ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाता है। एक बार फॉर्मेट बदलने के बाद कुछ भी लिखेंगे तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा, जैसे मैं 50 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे वो जो रिजल्ट है वो वैसे ही आएगा, ठीक है जी, वैल्यू वही रहेगी। जो मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ ये डेटा की रियलिटी को चेंज नहीं करते, खाली विजिबिलिटी को चेंज करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको पेस्ट एज वैल्यूज करूंगा तो क्योंकि जो चीज असल में है ही नहीं, खाली विजिबल है, वैल्यूज ये सब विजिबिलिटी हटा देती है, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू ले आती है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस होते हैं जैसे 1/2, 2/3, 3/4, इस तरह से। जैसे मैं लिखता हूँ 5.5, फ्रैक्शंस में मुझे कन्वर्ट करना है, मैं जाऊंगा फ्रैक्शंस में, कोई भी फॉर्मेट यूज कर लूंगा, 5 से 1/2 इस तरीके से दिखा रहे हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2.5 लिखा तो ये 2 से 1/2, 0.75 लिखा 3/4, ठीक है इस तरह से। बाकी फॉर्मेट भी वैसे हैं, 2 डिजिट में, 3 डिजिट में चाहिए, इस तरह से, ठीक है। खाली वो स्पेस मेंटेन कर रहा है और कुछ नहीं, यहाँ 2 डिजिट आ सके, यहाँ 2 डिजिट आ सके, ठीक है, स्पेस मेंटेन करता है और बाकी में फ्रैक्शन से ही होते हैं। देन साइंटिफिक ये लॉगरिदम वाली वैल्यूज हो जाती हैं, लॉग वैल्यूज, इनके लिए आपको लॉग बुक चाहिए पढ़ने के लिए। टेक्स्ट, टेक्स्ट फॉर्मेट हालांकि काम आता है। टेक्स्ट फॉर्मेट में क्या होता है, मान लीजिए कोई चेक नंबर है तो उसमें आगे हम क्या लिखते हैं, 0 लगाने के लिए हमें अपोस्ट्रोफ लगाना पड़ता है, तब हम 0 लिख पाते हैं, ठीक है जी, बार बार यही करना पड़ता है। मान लीजिए मैं ये अपोस्ट्रोफ नहीं लगाना चाहता, मैं कहता हूँ कि ये जो इतना है मेरा, इतना एरिया, इसमें मैंने टेक्स्ट ही एंटर करना है, वही वाला चेक नंबर वैसे 0, तो टेक्स्ट फॉर्मेट में कर दूंगा, इसमें ये नंबर में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है जी, जनरल फॉर्मेट में होगा, अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें जो भी एंटर करेंगे वो कन्वर्ट नहीं होगा, चाहे 0 लगा के करें चाहे 2 करें, ठीक है जी। इवन अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला भी लगाते हैं तो वो भी आपका कैलकुलेट नहीं होगा, कैलकुलेट करने के लिए आपको इसको जनरल फॉर्मेट में बदलना होगा, तब जाके कैलकुलेट होगा। अरे एरर क्यों दिखा रहा है वहां पे, कहां अपन ने टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया था, पर अपन ने 0 से स्टार्ट किया तो एरर दिखा रहा है, एरर के 3 सेल्स तो है ही, वो तो बैकग्राउंड एरर चेकिंग वो अलग पार्ट है इसका, वो करता ही रहेगा जब तक आप इसको रूल को वहां पे जाकर ऑफ नहीं कर देते या इग्नोर एरर नहीं कर देते, ठीक है जी, ओके ओके, वो हमेशा दिखाएगा। ओके, केवल केवल मेरे को यदि एक कॉलम में ऑफ करना है तो हो जाता है क्या वहां जाके, क्या चीज, ऑप्शंस में जाके ये जो एरर्स है, हाँ मेरे को केवल एक कॉलम में करना है, सपोज एक कॉलम में ऐसी वैल्यू है जो वो क्या कहते हैं वैल्यू दिखा रही, पर टेक्स्ट फॉर्मेट चाहिए, तो इन दोनों पे करके आप यहाँ से मतलब जिन पे एरर दिखा रहा है उन पे सिलेक्ट करेंगे ये आ जाएगा, इग्नोर एरर कर दीजिए उसको नहीं दिखाएगा, ओके ठीक है जी, ओके। तो ये आपका होता है टेक्स्ट फॉर्मेट। देन उसके बाद आपका आता है स्पेशल, स्पेशल में कुछ भी नहीं है, स्पेशल वाला काम हम कस्टम से करेंगे, ठीक है जी। कस्टम फॉर्मेट एक लंबा टॉपिक है जिसको मैं मतलब 1 घंटा मुझे पूरा एक्सप्लेन करने में लगेगा, तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा, ठीक है जी, ठीक है सर, ओके ओके ओके। हाँ।